तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाले हैं कि होम क्रेडिट ऐप से लोन कैसे ले सिर्फ और सिर्फ अपने घर बैठे। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन से होम क्रेडिट से यहाँ पे लोन ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हर इंसान को लोन की ज़रूरत होता है कि मुझे कोई काम है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर लोन लूँ, तो फाइनली आप लोन ले सकते हैं अपने घर बैठे अपने मोबाइल से। वह भी दोस्तों आपको इसमें बताएंगे, होम क्रेडिट ऐप में बताएंगे कि यहाँ पर आप लोन कैसे ले। तो आज के इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे कि होम क्रेडिट यहां पे कैसे ले यहां पे लोन, तो बहुत अच्छी तरीका से बताएंगे और मैं लेकर भी दिखाऊंगा ताकि आप भी होम क्रेडिट ऐप से यहां पे अच्छे से यहां पे आप लोन ले सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखना, तभी आप अच्छे से यहां पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कैसे करेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप यहां पे मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले भाई की इस वीडियो को लाइक कर दो, उसके साथ साथ यहां पे वीडियो के नीचे एक लाल बला होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में एक बेल आइकन है इस पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर दीजिए। दोस्तों इससे आपको यह फायदा है कि इसी तरह का कोई भी टिप्स एंड ट्रिक या कोई भी नॉलेजेबल वीडियो आएगा तो सबसे पहले आप लोग देख सकते और कुछ नया सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको होम क्रेडिट ऐप को प्ले स्टोर में जाकर इंस्टॉल कर लेना होगा। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली इसको ओपन कर लेना होगा। तो जैसा कि दोस्तों यहां पे देख सकते हैं होम क्रेडिट ऐप को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा यहां पे। तो ऐसा इंटरफेस आएगा तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट नेम और दूसरा लिखा हुआ है मोबाइल नंबर। तो अपना फर्स्ट नेम और अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। तो चलिए दोस्तों यहां पे फटाफट डाल लेता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैं डाल लिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सेंड ओटीपी, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस पे 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, फाइनली इस पे डाल देना है। तो चलिए दोस्तों मैं डाल देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ओटीपी आ चुका है, मैं डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेट पिन का एक ऑप्शन आना है, फाइनली इस पे आपको क्लिक कर लेना है और 4 डिजिट का आपको पिन सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे आपको बताने के लिए यहाँ पे एक सेट अपने हिसाब से कर लिया हूँ और उसके बाद सेट पिन पे आपको क्लिक कर दिया हूँ। सेट पिन पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो भी परमिशन आपको अलाउ का मांगेगा फाइनली आपको अलाउ कर देना है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैं अलाउ कर दिया हूँ। अलाउ करने के बाद यहाँ पे वेलकम टू अब्दुल यहाँ पे आ चुका है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें फाइनली यहाँ पे परमिशन में यहाँ पे हो चुका है लॉगिन। लॉगिन होने के बाद दोस्तों यहां पे देख सकते हैं फाइनली यहां पे आएगा, यहां पे चलिए वो लोडिंग हो रहा है। जो आप लोग यहां पे देख सकते हैं मेरा यहां पे नेट स्लो है, तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं यहां पे नेट स्लो है, चलिए वेट कर लेता हूं। सो दोस्तों वेट करने के बाद सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है पर्सनल लोन अप्लाई। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट योर ईमेल टू कंटिन्यू। तो आपको एक ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मेरे पास एक ईमेल आईडी है, मैं यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक ईमेल आईडी मांग रहा है, फाइनली आपको एक ईमेल आईडी डाल लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं एक ईमेल डाल लेता हूं फटाफट यहां पे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैं ईमेल आईडी डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है सेंड ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों अगर आप में पहले से ईमेल आईडी रहेगा तो वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, अगर यहाँ पे नहीं रहेगा तो फाइनली इस तरीका से आपको लिख लेना और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद इस ईमेल पे यहाँ पे 6 डिजिट का ओटीपी गिरा होगा। चलिए दोस्तों हम लोग वेट कर लेते हैं और जैसे ही आपको 6 डिजिट का ओटीपी आएगा फाइनली आपको। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आपको बता दूँ यहाँ पे ईमेल आईडी पे ओटीपी आ चुका है। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं ओटीपी डाल देता हूँ, यहाँ पे 9318 यहाँ पे फाइनली ओटीपी आ चुका है। ओटीपी आने के बाद यहाँ पे चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर दिया हूँ। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको कि जो आप अप्लाई करेंगे ये आप हिंदी में करेंगे या इंग्लिश में। तो कंटिन्यू इन इंग्लिश कर दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लोन इन 5 मिनट, फाइनली 5 मिनट में ऑनलाइन अप्रूव हो जाएगा। और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, तो आपके पास पैन कार्ड होनी चाहिए, नेट बैंकिंग होनी चाहिए। दोस्तों आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है जब भी कोई बात नहीं, आपको रेसिडेंटल एड्रेस प्रूफ होनी चाहिए और आपको इंडिया के आप रहने वाले हो और आपका कम से कम 19 साल होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद ये सब आपको देख लेना है और सिंपली स्टार्ट लोन एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैं क्लिक कर लिया हूँ। तो दोस्तों क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लोन
सेलेक्ट लोन पर्पस, तो आप जो ये लोन ले रहे हैं किस पर्पस से ले रहे हैं, आपको एजुकेशनल के लिए ले रहे हैं या मैरिट के लिए ले रहे हैं या आप हाउस होल्डर या ट्रेवल के लिए या मेडिकल के लिए, आप जो चीज़ के लिए ले रहे हैं आपको वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने हिसाब से यहाँ पे होम रिलेशनशिप क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद अपने हिसाब से जो पर्पज़ से आप ले रहे हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको लिखा हुआ है सेलेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर आप जो है कौन है, स्टूडेंट है या आप यहाँ पर सैलरीड है या एक आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या होम वेकर है या जो है आपको वो कर लेना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे सैलरीड ऑनर पे क्लिक कर दिया। उसके बाद मंथली इनकम, आप मंथली इनकम कितना कमाते हैं, चलिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 15,000 लिख लिया हूँ। और उसके बाद आप कितना कमाते हो वो आपको डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहला है सेल्फी और दूसरा है पैन कार्ड। तो दोस्तों आपको अपना एक हाफ फोटो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा और दूसरा आपको यहाँ पे आपको पैन कार्ड क्लिक करना। तो चलिए दोस्तों हाफ फोटो यहां पे खींचना होगा। तो चलिए दोस्तों पहले सबसे पहले दोनों को फिलअप कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली यहाँ पे मैं फोटो सेलेक्ट कर लिया हूँ, उसके बाद पैन कार्ड का फोटो खींच लिया हूँ। और दोस्तों जैसे पैन कार्ड का फोटो खींचेगा यहाँ पे सबसे पहले लोडिंग लेगा और यहाँ पे पूरा डाटा आपका चेक करेगा, और डाटा जैसे चेक करेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो फिलअप रहेगा आपका डाटा वो यहाँ पे पूरा शो कर देगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देख लें, टेक्निकल प्रॉब्लम है, फिर से आपको यहाँ कर ले। सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फाइनली जैसे यहाँ पे सेल्फी खींच लेना और आप अपने यहाँ पे पैन कार्ड का फोटो खींच के यहाँ पे रख देना है। जैसे ही आप पैन कार्ड का फोटो खींचेगा तो फाइनली उसका पूरा डाटा यहाँ पे शो करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे फादर नेम और मदर्स नेम नहीं आएगा, तो आपको यहाँ पे इंटर कर लेना जो फादर नेम और मिडल नेम होगा। तो दोस्तों उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल तो मेल और यहाँ फीमेल है तो फीमेल, तो चलिए मेल है, मेल कर दिया। अगर आपका मैरिड हो चुका है तो मैरिड पर टिक करना है, अगर आप सिंगल है तो सिंगल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश यहाँ लिखा है प्रीफ्रेंस लैंग्वेज फॉर कॉलिंग, अगर कॉलिंग होगा तो क्या हिंदी में या इंग्लिश में क्या करना है। तो चलिए दोस्तों जो कॉलिंग होगा मैं हिंदी में कर लिया हूं। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको यहां पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहां पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद फिर से कुछ देर लोडिंग लेगा, जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं कुछ देर लोडिंग ले रहा है, तो हम लोग वेट कर लेते हैं सबसे पहले। सो दोस्तों लोडिंग होने के बाद कुछ देर वेट करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद सिंपली यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऑनलाइन केवाईसी यूजिंग आधार और दूसरा यहाँ पे क्लिक फोटो ऑफ एड्रेस प्रूफ। तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक फोटो ऑफ एड्रेस प्रूफ पे क्लिक कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे जो एड्रेस प्रूफ क्या चीज देना है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या आपको वोटर आईडी कार्ड क्या देना है फाइनली। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आधार कार्ड देने वाला है, आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ पे आधार कार्ड के आगे का फोटो सेलेक्ट करना है, दूसरा पीछे का, दोनों क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों फटाफट फिलअप कर लेता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली यहाँ पे मैं अपने आधार कार्ड का यहाँ पे आगे का फोटो ले लिया हूँ, और जैसे पीछे का भी फोटो लीजिएगा तो यहाँ पे जो आधार कार्ड पे जो रहेगा फाइनली ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर आप में नहीं लेगा तो आपको यहाँ पे खुद से यहाँ पे फिलअप कर लेना होगा। तो मान लीजिए दोस्तों किसी किसी में ऑटोमेटिक सब फिलअप हो जाता है जैसे पीछे का आधार कार्ड का फोटो खींचेगा तो, मगर मुझे मैं देखिए यहाँ पे सिर्फ पैन का यहाँ पे पिन कोड आया, बाकी यहाँ पे देखिए खुद से लिखना होगा क्योंकि नहीं आया। तो चलिए दोस्तों फटाफट पहले फिलअप कर लेता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे जो आधार कार्ड के पीछे रहेगा वो सेम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने का उधर लोडिंग लेगा जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे इसको लोडिंग और ले देते हैं, जब तक के लिए हम लोग यहाँ पे वेट कर लेते हैं। सो दोस्तों वेट करने के बाद सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कुछ देर टाइमिंग होगा, और यहाँ पे इतना 2 मिनट के लिए यहाँ पे टाइमिंग होगा जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही आपका वो हो जाएगा आधार कार्ड वाला काम हो जाएगा तो यहाँ पे तीसरा स्टेप यहाँ पे आपको कुछ देर लोडिंग लेगा, और यहाँ पे यू आर सॉरी बता रहा है, तो फिर से आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपको यहाँ पे करने के लिए। तो चलिए दोस्तों फिर से आपको कर लेता हूँ। सो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे बता दिया फाइनली, जैसे आपको बोला है कि 2 मिनट रुकने के लिए तो लिखा वी आर सॉरी डियर कस्टमर, यू रिग्रेट टू इन्फॉर्म योर डेट योर एप्लीकेशन डोंट मीट ऑन रिक्वायरमेंट, योर कैन रीअप्लाई विथ ए ऑफर 9 जून 2022। तो दोस्तों यहाँ पे बता रहा है, मैं आपको बता दूँ कि जो ये जिस नाम से जिस डॉक्यूमेंट से मैं यहाँ लोन ले रहा हूँ यहाँ पे होम क्रेडिट ऐप में, तो फाइनली इसका जो है ना स्क्रॉल, सिविल स्क्रॉल जो होता है, जो सैलरी स्क्रॉल होता है, इसका स्कोर बहुत ही कम है,
क्रेडिट का जो स्कोर है यहाँ पे बहुत ही कम है, जो जैसे ट्रांजेक्शन जैसे बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होता है स्टेटमेंट वो इसका बहुत ही कम है। जैसे यहाँ पे अपलोड किए यहाँ पे पता लगा लिया कि इसका सिविल स्कोर बहुत कम है, इसलिए इस आईडी पे इसको नहीं मिलेगा। सो दोस्तों अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा रहता है, सिविल स्कोर अच्छा रहता है जैसे मान लीजिए लाख करोड़ों में अच्छा रहता है, तो फाइनली यहाँ पे आपको यहाँ पे 110% आपको लोन मिलेगा। मगर दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आप यहाँ तक स्टेप बाय स्टेप करते और फिलअप करते आते हैं और दोस्तों अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा रहता है तो आपको यहाँ पे 2 मिनट क्लिक करना है, रुकना है और उसके बाद आगे प्रोसेस आएगा आपका अकाउंट नंबर देने का। दोस्तों बैंक अकाउंट नंबर का फिलअप करना है, जो भी परमिशन मांगेगा अलाउ का अलाउ कर देना है और आपका बैंक से रिलेटेड आपका इन्फॉर्मेशन लेगा, फाइनली आपको डन कर देना है और सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे कीजिएगा आपको 24 आवर्स में एक कॉलिंग आएगा और आपका उसके बाद फाइनली आपका लोन अप्रूव्ड हो जाएगा और आपको लोन इंस्टेंट आपके अकाउंट में मिल जाएगा इस ऐप के जरिए। सो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए यही था। दोस्तों आगे मैं आपको इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि मेरा सिविल स्कोर यहाँ पे बहुत ही कम है, इसलिए मैं आपको जानकारी दे दिया हूँ और स्टेप बाय स्टेप मैं बता दिया हूँ करके कि इस तरीका से आप कर सकते हो, इसलिए ताकि आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत। अगर मेरा सिविल स्कोर अच्छा रहता तो आगे करके दिखाता और लेके भी दिखाता मेरे भाई। सो दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में उम्मीद रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। तो भाई के इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि आपका भाई आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो तैयार करता है और अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल वाला होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर नए वीडियो में मिलते हैं, जब तक थैंक यू।